नमस्कार दोस्तों, कृषि जागरण के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कृषि में मृदा की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम अपने देश की मृदा के बारे में विवरण करेंगे, जिससे यह जाना जाएगा कि देश में कितने प्रकार की मृदा मौजूद है जो आपके फसलों के लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं देश की मिट्टियों के प्रकार के बारे में। पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी रेतीली मिट्टी, पांचवी लैटराइट मिट्टी। तो सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी को जलोढ़ या कछार मिट्टी के नाम से जाना जाता था। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी देश के मुख्य उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति रूप से यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी मुख्यतः गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई जाती है। यह उपजाऊ मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के आधे भाग में पाई जाती है। ये मिट्टी नदियों के द्वारा जमा किए गए तलछटों से बनती है। इस मिट्टी की विशेषता ये खाद से भरपूर और उपजाऊ होती है, क्योंकि इस मिट्टी में खाद मिट्टी के सभी गुण शामिल होते हैं। हर साल इसका नवीनीकरण होता है, जो कि इस मिट्टी को बनने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चावल, गेहूं, गन्ना, जूट और दालें आदि इस मिट्टी पर उगने वाली मुख्य फसलें हैं। ये निचली घाटियों में पाई जाती हैं, जो ज़्यादातर नदियों के स्थित होती है। दूसरी काली मिट्टी। काली मिट्टी की सबसे खास विशेषता यह है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण है। यह लावा प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग आते हैं। इस मिट्टी की विशेषता, ये मिट्टी ज्वालामुखी प्रवाह से बनती है, जो कि काफ़ी गर्म होती है। इसमें चूना, मैग्नीशियम और लौह जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो कि खेती के लिए काफ़ी अच्छे पदार्थ हैं। इसमें पोटाश, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तीसरी लाल मिट्टी, यह मिट्टी चट्टानों से कटी हुई मिट्टी है। यह अधिकतर भारत के दक्षिणी भूभाग पर मिलती है। मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्षिणी भूभाग में, मद्रास में, आंध्र में, मैसूर में, झारखंड के छोटा नागपुर व पश्चिम बंगाल के क्षेत्र तक फैली हुई है। इस मिट्टी की विशेषता, इस मिट्टी में लालपन और इसमें मौजूद लोह तत्वों के कारण होती है। इसमें गेहूं, चावल, बाजरा, तिलहन और कपास की खेती को किया जा सकता है। ये दक्षिण के हिस्से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी, यह मिट्टी रेगिस्तान के थार प्रदेश में, पंजाब के दक्षिणी भाग के साथ राजस्थान के कुछ अन्य भागों में मिलती है। ये मिट्टी ज्यादातर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। यह अच्छी तरह से उपजाऊ और विकसित मिट्टी नहीं होती है। वाष्पीकरण बारिश के अधिक हो जाने के कारण इस मिट्टी में नमक की मात्रा काफी ज्यादा होती है। लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी के क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलती है। मिट्टी को प्रायः पश्चिम बंगाल से लेकर असम के क्षेत्रों तक देखा जा सकता है। मिट्टी की विशेषता, ये आमतौर पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, नारियल, सुगंधित अखरोट आदि उगाए जाते हैं। इस मिट्टी का गठन निक्षालन के कारण होता है। चोटियों के समकक्ष पर अच्छी तरह से विकसित होती है। मिट्टी को उपज की दृष्टि से इस तरह मजबूत होना चाहिए कि वह पौधों की जड़ों को पकड़ सके, और इतनी मुलायम भी होनी चाहिए कि पूरी तरह से वह जल को सोख ले। इसके साथ में इसमें संतुलित क्षार भी होना चाहिए। तो इसी तरह मिट्टी के अलावा कई अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ते रहिए।